ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित बीएड विभाग के द्वारा दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ एवं दरभंगा पब्लिक स्कूल रामबाग के शिक्षक शिक्षिकाओं का एक सप्ताह का शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इस विभाग के द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में दोनों स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस 7 दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। नई शिक्षा नीति एवं बच्चों को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए, पाठ्यक्रम की जानकारी दिया जाए, इस कार्यशाला में इस विभाग द्वारा इन शिक्षक को बताया गया। वहीं दोनों स्कूल के शिक्षकों ने बड़ी रुचि से इस कार्यशाला में भाग लिया। कई शिक्षक शिक्षिकाओं से हमारी बात हुई, इन्होंने कहा कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें विश्वविद्यालय के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, इससे हमें खासकर बच्चों को भी काफ़ी फायदा होगा। वहीं स्कूल के प्रबंधक विशाल गौरव ने कहा इसमें हमने बहुत विश्वविद्यालय द्वारा जो ये प्रशिक्षण दिया गया ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। जैसे कि जो ऑनलाइन करिकुलम होता है उसके ऊपर एक सेशन था, जैसे ड्रामेटिक्स इन एजुकेशन की नाट्य शास्त्र का भी क्या कुछ उपयोग कर सकते हैं टीचर अपनी कक्षाओं में, उसके ऊपर एक सेशन था। हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं एजुकेशन स्कूल, खासतौर पर स्कूल एजुकेशन में, उनके ऊपर सेशन था। या पुराने भी जो चीज़ें जो कि हर दशक में या हर पीढ़ी में या हर समय में रंग बदल बदल कर एक चुनौती की तरह सामने आती है, जैसे कि डिसिप्लिन की समस्या है। ये कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन हर एक कह सकते हैं कि हर एक युग में एक नए रूप में ये हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। उसके ऊपर भी कुछ सेशंस थे, बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। कई शिक्षक शिक्षिकाओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये इस स्कूल का सकारात्मक पहल था, अच्छा कदम था और इससे शिक्षक के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी फायदा हुआ है। छात्र छात्राओं को इससे फायदा आगे भविष्य में होने की उम्मीद हमें पूरी है। अभी तो जैसे टीचर्स ने जो सीखा है, जो पिछले साल की ट्रेनिंग्स थी उनका फ़ायदा निश्चित रूप से पिछले सालों में हुआ है छात्रों को। बहुत मुश्किल है कि ये एग्जैक्टली किसको मैं ट्रांसलेट करके आंकड़े के तौर पे बता सकूं कि इस पूरे ट्रेनिंग का कितना एग्जैक्ट परसेंटेज में फ़ायदा हुआ है या इस तरह की कोई बात, लेकिन जो एक ऑब्जर्वेशन से सामने चीज़ें आती हैं वो साफ साफ तौर पे हमें दिखता है कि जो भी लोग सीखते हैं इस ट्रेनिंग में वो उनको एक नया डायमेंशन देता है, एक नई नया नज़रिया देता है और उसका निश्चित रूप से हमारे छात्रों को जो फ़ायदा है वो पहुँचता है। अपना कदम बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ इस स्कूल का जो ये कदम है क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की ओर हमारे बढ़ावा अधिक हो रहा है, इसलिए हमें इन कार्यक्रम या इस तरह का प्रशिक्षण आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में इन चीज़ों को बच्चे किस तरह अपनाते हैं और कैसे वे विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और अपनी सफलता को पाते हैं, यह सारी चीज़ें हमें इन ट्रेनिंग के दौरान, तो यह कोई तुरंत नहीं हो सकता है, यह क्रम दर क्रम होता जाएगा। बच्चों को शुरू से अगर ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे निश्चित ही सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस स्कूल का ये कदम आप किस दृष्टि से देखते हैं? बिल्कुल सराहनीय है और हमारे लिए तो काफ़ी लाभदायक है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जिस तरह दरभंगा पब्लिक स्कूल हम शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दे रहा है, वैसे ही सभी विद्यालयों को अपने शिक्षकों के लिए ऐसा प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। ये बताइए, दरभंगा पब्लिक स्कूल द्वारा जो ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बड़े आयाम में यूनिवर्सिटी कैंपस में इस बीएड कॉलेज के इंस्टीट्यूशन में हम लोग आकर के किए हैं, तो ये एक हमारा रेगुलर कार्यक्रम है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही ये इनोवेटिव आइडिया में हुआ है और इससे हमारे छात्रों को हम शिक्षकों को सबों को और समाज में भी एक पॉजिटिव सकारात्मक मैसेज जाएगा कि विभाग द्वारा एक सप्ताह तक शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया गया। कई शिक्षकों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सकारात्मक विश्वविद्यालय का पहल था, क्या कहें हम? वस्तुतः जैसा कि दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि CBSE पाठ्यक्रम के तहत इस तरह के कार्यक्रम प्रत्येक पब्लिक स्कूल के लिए अनिवार्य है,
और यह खुशी की बात है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जो बीएड रेगुलर है, जो डिस्टेंस के अधीन चल रहा है, उसको यह दायित्व मिला। और यह परस्पर विश्वविद्यालय का जो एक एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है, नैक में भी इसकी आवश्यकता होती है कि विश्वविद्यालय का दायित्व केवल आप कॉलेज या पीजी डिपार्टमेंट में ही छात्रों को न पढ़ाएं, बल्कि आप बाहर के भी शिक्षक हों, छात्र हों, उन्हें अपने ज्ञान का लाभ दें। तो यह एक्सटेंशन प्रोग्राम कहा जाएगा और बहुत ही, जैसा कि आप कस्टम कर रहे हैं कि शिक्षकों ने इसे सकारात्मक रूप से लिया है, यह विश्वविद्यालय के लिए भी और जो संस्था इसमें सम्मिलित हुई उनके लिए भी यह गौरव का बात है।